नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसके बाद सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल पर बेड बढ़ाए जाए, ICU बढ़ाई जाए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की रुचि गोले बनाने और मास्क बांटने में ज्यादा दिखाई दे रही है, सरकार की रुचि आपदा में अवसर खोजने की है। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के आसार को लेकर कहा कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति कोरोना के लिए जन समुदाय के बीच सार्वजनिक नहीं होगी तब तक कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकता। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के इस कदम की मैं सराहना करूंगा, क्योंकि आज जिस स्थिति में संक्रमण फैल रहा है उसके बाद सरकार को ध्यान देना चाहिए हॉस्पिटल्स में कितने बेड बढ़ाए जाएं, ICU वार्ड कितने बने, मगर सरकार की रुचि गोले बनाने में है, सरकार की रुचि मास्क बांटने में है, सरकार की रुचि धर्म के नाम पर आपदा में अवसर खोजने की है। तो जब इस तरह सरकार के मुखिया ही इस संक्रमण के अभियान को एक इवेंट के रूप में लेना चाह रहे हैं तो कोरोना कहाँ से ठीक होगा। हम भीड़ के बीच जाकर मास्क बांट रहे हैं, हम भीड़ के बीच जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, हम भीड़ के जाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, और जाना है महाकाल फिर भी नेतागिरी कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना कैसे ठीक होगा। कहीं ना कहीं ये आशंका जताई है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है मध्य प्रदेश में। देखिए, जब तक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए जन समुदाय के बीच सार्वजनिक नहीं होगी तब तक यह कोरोना का संक्रमण नहीं थम सकता है। और जब सरकार ही खुद कोरोना परोस रही है तो अन्य किसी व्यक्ति से उम्मीद सरकार कैसे कर सकती है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।